श्री प्राणनाम बलावे की जय। श्री बाईजीराज महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनोपुरी धाम की जय। श्री चरणदास महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहे राम रतन दास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो कदम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत करे ए मोमिनो ए चौथे पहर की विरत। अब कहूं पर पांचवा सुनियो तन मन हित सुनियो
चितवनी का समय था, 4:30 बजे चितवनी कराई। श्री जी पलंग सेज पर उठ करके विराजमान हो करके जल आरोपते हैं, श्रृंगार होता है, शाम का भोग तो भोग होता है, और अब पहर आया पांचवा। पांचवा पहर का समय जो है वो 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे 9 बजे तक है। मतलब ये रात्रि का प्रथम पहर हो गया और दिन से देखेंगे तो यह पांचवा पहर है। तो इस 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक जिन जिन मोमिन जिन जिन सुंदर साथ की जो सेवा थी वो अपनी अपनी सेवा में हाजिर हो गए। अब कहो पहर पांचवा आया जब बखत हुआ बखत बैठने का ऊपर इन तखत कहा। अब तखत पर विराजमान होने का समय हुआ, मतलब के चर्चा का समय हुआ। अभी 6 बजे से लेकर के कहो तो आगे चर्चा होगी, लेकिन संध्या आरती भी होती है, फिर चर्चा तो विशेष करके छठे पहर के अंदर 9 से 12 का समय होता है चर्चा का। लच्छो अरज करत है आज पधारो कौन घाट, श्री राज उत्तर देते आज पधारे पाठ। लच्छो भाई आती और आ करके अर्ज करती है धनी को कि हे धनी आज कहाँ शेयर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि रोज परम धाम के अंदर 3 बजे जब उठते श्री राज से ठकुरानी जी नीले किले मंदिर में तो फिर श्रृंगार होता है दहलान में, 4 सखी राजी महाराज का श्रृंगार करते हैं और फिर पूछते हैं सखियों को, हे मेरी प्यारी सखिया आज कहाँ फिरने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, तो जहाँ इच्छा होती वहाँ सुखपाल के अंदर नजदीक जाना हो, सुखपाल दूर जाना है माने पहाड़ बद की नहर सांगोर के अंदर तो तख्तवाड़ा में जाते थे। सुखपाल में तो छोटा होता था कि एक सुखपाल में आराम से 2 सखी बैठ सकती है, लेकिन तख्तवाड़ा में जब जाते दूर शहर करने के लिए तो फिर राजी श्यामाजी और 12,000 एक साथ वन विहार करने के लिए जाते हैं। तो रोज जैसे कि हमें चितवनी के लिए दिया गया कि कृष्ण पक्ष में 15 दिन कहा किस तरह से एकम दूज तीज को जाते थे, फिर शुक्ल पक्ष में किस तरह से एकम के दिन कहाँ जाना है, दूज के दिन कहाँ जाना है, एकम के दिन जाते थे नूर सागर, फिर दूज के दिन नीर सागर, तीज के दिन सीर सागर, चौथ के दिन दधी सागर, पंचमी के दिन कृत सागर, छठी के दिन मधु सागर, सप्तमी के दिन रस सागर और अष्टमी के दिन जाते थे 8वां सागर, महर सागर के अंदर सर्व रस सागर के अंदर। तो 9 के दिन आते थे छोटी राम चार आर हवेली में, तो 10 के दिन आ जाते थे कहाँ बन की नहर, 11 के दिन आते थे मानिक पहाड़ के अंदर, तो 12 के दिन आते थे झवेर की महलातों के अंदर, तो 13 के दिन 24 का मन और 14 के दिन चांद चौदह में रात को बैठे चांदी नूर जमाल,
सात संग बैठाए के करे खावत खुशाल। टापू मल होज को सर तालाब के बीच में जो टापू मल है, उस टापू मल की चांदनी में आते थे चौदस के दिन और पूनम के दिन निज दरबार निज रंग महल और रंग मल की नव पौन दसवीं चांदनी के अंदर। उसी तरह से कृष्ण पक्ष के अंदर भी 15 दिन घूमने के लिए फिरने के लिए जाते थे। एकम के दिन कहाँ आते थे, पाठ घाट जाते थे जो रंगमल के सामने 4.5 लाख कोस की दूरी पर जमुना जी की दोनों तरफ पाठ घाट की शोभा आई हुई है जो एक बहुत दूसरी चांदनी है। तो यहाँ पाठ घाट एकम के दिन जाना था तो लच्छुबाई अर्ज करती है तो श्री राम जी कहते आज तो कृष्ण पक्ष एकम है तो पाठ घाट जाने की बारी है, आज पधारेंगे पाठ के घाट। तखत बिछोने बहुत है बिछावत बिहारी दास, तलाई ओछार सुजनी तकी धरे मखमली खास। अब तखत विराजमान होता है, तखत बिछाने की जो सेवा है वो उठाने की भी और बिछाने की सेवा बिहारी दास जी की है। फिर तला यानी कि गद्दा कहो चद्दर कहो अन्य जितनी भी मखमली तकी जो भी चाहिए सामग्री वो सब मिला करके रखते हैं बिहारी दास। और तखत के पास में कहो तेग गादी बिछा देते बाईजू राज के लिए वो भी बिहारी दास जी महाराज। सुखपाल में बैठ के श्री भाई जी आवत अरज आरोगन की मीठी बातें कर। अब बहजीराज महारानी वहां अभी का देखो तो आप जो बंगला दरबार से हम जाते हैं बहजीराज महारानी के मंदिर दर्शन करने के लिए ना, तो वहीं इतनी दूरी थी वहां सब स्त्री जाति जो भी मौमिक सुंदर साथ थे वह रहते थे और यहाँ बंगला दरबार में सब पुरुष वर्ग जो थे सुंदर साथ रहते थे। तो वहां से सुखपाल में विराजमान होकर के बाईजूराज महारानी फिर श्री जी के पास बंगला जी में आती थी और फिर इस समय कहो तो आरोने का शाम का समय है, सुबह 11:15 बजे राजभोग हुआ तो थोड़ी भूख भी लग जाती है। इस समय राजभोग के लिए मतलब के आरोगाने के लिए बाईजूराज महारानी आती है और मीठी मीठी रचना द्वारा मीठी मीठी बातें कराते हुए आरोग आती है और आरोगने का थाल जो है मथुरी बाई हिम्मत बाई लेकर के आती है। फिर विभिन्न प्रकार की सब्जी है तरकारी है वो कटोरी में सजाते हैं। एक तरफ श्री महाराजा छत्रसाल विराजमान होते हैं, एक तरफ श्री बाईजूराज महारानी आरोगाने के लिए बैठती है। फिर हाथ पकड़ने की सेवा बड़े प्रेम से मानिक भाई करते प्रसन्न चित से। हाथ पोछने की सेवा रुमाल लेकर के श्री फिर श्री महाराजा छत्रसाल जी करते हैं और इस समय महाराजा छत्रसाल ने मुख पर भी लो नाक से लेकर पूरा मुख रुमाल से ढक दिया है, रुमाल बांधा हुआ है ताकि श्वास जो है बोलते समय का जो हमारा थूक जो है वो कहीं भी श्री जी के ऊपर को या सामग्री में गिरे नहीं। फिर बड़े प्रेम से आरोगाते हैं। इस समय जो महाराजा छत्रसाल और बाईजूराज महारानी और मौमिन जित हेत से जित प्रेम से जो आरोगा रहे श्री जी को इस प्रेम का वर्णन श्रद्धा देते हैं। फिर सभी सखिया सुंदर साधक हो मन में सेवा की आस लेकर के चारों तरफ घेर करके खड़े हैं कि कोई सामग्री चाहिए कोई वस्ता चाहिए कोई सब तरकारी कहो सब्जी कहो मिठाई कहो तो तुरंत लेकर के आकर हम देंगे इसलिए सेवा में वो खड़े हैं। अब थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज मीठी रसना सो बातें करे रिज रिज के श्री राज। छत्रसाल जी महाराज भी देखो बड़े प्रेम से बातें कर रहे आरोगानती समय श्री जी के साथ क्योंकि बातें करते करते पता ही नहीं चलता है कि भोजन कितना हो गया ना, एक रोटी दो कोल ज्यादा ही खाए इसीलिए दोनों मिलकर के बातें करते रहते हैं श्री जी के साथ बाईजूराज और महाराजा छत्रसाल।
आरोग तति हित सो बाते करे बनाए काम बदनी गाए जावी कौल दे थे ताए। एक तो यहाँ भोजन लीला हो रही है, आरोगने की लीला हो रही है, और दूसरी ओर वहाँ जो 14 वारी फिरती है वो वारी वाले भी अपनी अपनी बारी में अर्शजीत की वाणी की गर्जना कर रहे हैं। जहाँ भी जाओ कुछ न कुछ आपको कान में नहीं सुनना होगा तो भी पड़ेगा शब्द वाणी का, इस तरह से वाणी की गर्जना हो रही है। तो यहाँ धनी भी उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं, रीज करके जो आरोगते हैं उस आरोग में से कहो तो भोजन सामग्री प्रसाद के रूप में उनको भी कौल भेज देते हैं। श्री भाई जी बाते करते आरोगने के बखत श्री राज रीच के कहते ऊपर बैठो इन तखत। अब आरोगने के बाद स्वयं श्री राज जी महाराज भाई जी राज को कहते हैं आप रिया करके तखत पर विराजमान हो जाओ। और इस समय भी घर घर से भी कहो तो मौमिक सुंदर साथ विभिन्न प्रकार के मसाला अथाने या तो भीवा मिठाई पकवान तरकारी सब्जी जो कुछ भी चाहिए जो जो अच्छा लगता है वो मन माफक लेकर के आते हैं श्री जी को आरोग आते हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल चुल्लु करावे चौपसो साकुन नल दिल खुशाल। अब बड़े प्रेम से आरोग आने के बाद चुल्लो कराने की सेवा करती है साकुंडल सखी यानी कि महाराजा छत्रसार बड़े प्रेम से हाथ धुलाते श्री राजी महाराज का। और मानिक भाई कहो तो काबा लेकर के आती है विभिन्न प्रकार की औषधि से बनाया हुआ काढ़ा श्री राजी महाराज को पिलाती है। फिर फूल सुपारी बिली मिले आरोगावे भाई कल्याण ये सेवा से भाई जी की दई सेवक अपना जाना। आरोगने के बाद पान का बीड़ा तंबोल बना करके श्री राजी महाराज को देना। ये पान का बीड़ा मतलब क्या है, श्रृंगार के अंदर भी आता है ना, हम आरोगने के बाद राजभोग के अंदर भी बोलते हैं बीड़ी बोलते हैं क्या? तो ये बीड़ी जो है पान का बीड़ा क्या है, श्रृंगार के अंदर सुंदर वर्णन आता है कि तंबोल चबाते है तो राजी महाराज का जो मुखारविंद है वो लाली मा छा जाती अंदर पर तो पान का बीड़ा। और देखो जब शेर अफगन आए थे 3000 की फौज लेकर के तो आज जो खिजरा मंदिर है पन्ना धाम के अंदर वहां से वो जल पुकार तलवार विजय के रूप में आशीर्वाद के रूप में दी थी और पान का बीड़ा भी दिया था। जो आज भी परंपरा पन्ना धाम में है कि जब दशहरा का उत्सव शरद पूर्णिमा के दिन जो उत्सव मनाया जाता है तो उसका शुभारंभ दशहरा से होता है। तो दशहरा के दिन वो पान का बीड़ा और छत्रसाल महाराज के वंशजों को तलवार भेंट के रूप में दी जाती है। तो पान का बीड़ा वो इश्क का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है। तो जो राजी महाराज की मुखारविंद पर परमधाम के अंदर जो श्रृंगार के अंदर जो वर्णन आया है वो प्रेम की लालिमा का वर्णन है, इश्क का वर्णन है। तो यहाँ बाईजूराज महारानी विशेष करके तंबोल सेवा में हाजिर करती है श्री जी को, लेकिन अपने ही मौमिने सुंदर साथे भाई दत्त का भाव है, कोई राग द्वेष नहीं है। तो कल्याण भाई ने मांगी होगी सेवा तो रीच करके अपनी सेवा भाई जीराज ने कल्याण जी को दे दी। और फिर यह कल्याण भाई पान का बीड़ा आरोगा दी है। अगर महाराजा छत्रसाल आ गए तो उनके हाथ में धर देती है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया इतनी मेहनत की और देखो उसने आकर के भूख में रख दिया, यह भाव बिल्कुल नहीं है। स्वयं आकर के देते हैं, जो भी आया लो आप करो ना। हम तो रोज करते हैं सेवा, करते आए करेंगे, लेकिन आज हम आपके अंदर शामिल होकर के सेवा करेंगे। कभी कभी हमारे बाहर से सुंदर साथ आते हैं जो भी कुछ, तो हम क्या करते हैं उनको आगे लगाते हैं ना कि आप करो, आप आगे आओ, आप बैठो। क्यों? क्योंकि हमारे घर आप आए हुए हमारे मेहमान, तो वह कोई राग द्वेष का भाव नहीं होता है।
और जहाँ द्वित भाव नहीं है वहीं बड़े नम्रता से प्रेम से सेवा हो पाती है। तो यहाँ बीड़ी बालत श्री भाई जी श्री महाराजा पनी दी सुपारी मानिक छबीला और सेवत महारानी। देखो सभी तंबोल की सेवा करते हैं, महारानी मजली रानी भी कहो मानिक भाई कहो छबीला दास कहो, जिन जिनको इच्छा होती है वो सब अपनी अपनी भावना को अपने अपने प्रेम को पूरा करते हैं। फिर हार टलंगी आवत उपराव परित के ले ले नाम मुजरा होत हैं होए जुगा एक एक के। अब हमने वितक के अंदर ही अष्टपर की सेवा के अंदर ही कली श्रवण किया कि धाम के धनी है छत्रसाल जी महाराज के श्री जी साक्षात तो मक्षरादी तो, परंतु जाहिर में एक राजगुरु की तरह रखे हुए हैं। तो किस तरह से उनकी साई भी है, पातशाही तीर कमान ढालदार उनके साथ शोभा से सुशोभित किया है तखत पर। तो इस समय जो लड़ाई के लिए गए थे धर्म युद्ध करने के लिए, तो कितने राज्यों को जीत करके आए थे ना, इत नर्मदा उद टोस इत जमुना उद नर्मदा का ना, इत चंबल उद टोस छत्र साहस लड़े की रही न काई होसा। तो चारों दिशाओं के राज्यों को जीत लाया था महाराजा छत्रसाल ने। तो सभी राज्यों का जो राजा थे वो अब छत्रसाल महाराज के अंडर के अंदर है। तो सभी राजा अपने राज्य से विशेष करके महाराजा छत्रसाल के राजगुरु मान करके श्री जी के पास अपनी हार की सेवा भेजते थे। तो श्री जी भी सबके हार को एकमात्र हाथ से स्पर्श कर लेते थे या तो नजर से देख करके सबकी सेवा को कबूल करते थे। और यहाँ कलंगी कहो तो कलंगी भी बना करके सुंदर साथ श्री जी के लिए लेकर के आते थे। और जिन जिन राजाओं ने हार और कलंगी भेजा है उनके नाम ले लेकर के श्री जी के सामने उनकी सेवा रखी जाती थी। फिर संभोबाई ओकाबाई जस्याबाई वो भी स्वयं अपने हाथों से कलंगी बना करके लेकर आते थे। और श्री राज हाथ दरत हे सेवा अंगीकार करेंगे। अब कितनी कलंगी धारण करेंगे, पाक के ऊपर तो एक ही कलंगी धारण करेंगे। अब इतने सुंदर साथ फिर ऐसा नहीं है कि मेरी कलंगी इतनी मेहनत मेरी व्यर्थ हो गई, बस धनी ने स्पर्श कर दिया सुंदर साथ खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। श्री महाराजा छत्रसाल भी कलंगी बनाकर अपने हाथों से लेकर के आते हैं और सिर पर धारण करते श्री राजी महाराज। मुकुंद दास जी महाराज भी कहो तो तुरा और कलंगी परण का बना करके लेकर के आते हैं और श्री राजी महाराज कलंगी के ऊपर ऊपर जो तुरा वो तुरा धारण करते हैं। कहां कहो इन समय की जहां राज विराजे तखत, आई जी मोर्चल करत हे सो कहो न जाए पकत। अब इस समय राजी महाराज बंगला दरबार के अंदर तखत पर विराजमान है और आई जी मोर्चल कर रही है मोर पंख से। इस समय की जो स्वरूप की जो शोभा सुंदरता है उन अनुपम शोभा सुंदरता का किन शब्दों में वर्णन करो, स्वयं या महामती कहते हैं। महाराजा छत्रसाल भी मोर्चल कर रहे दोनों तरफ चवर डुला रहे हैं। शेख बदल भाई लाल खान कहो वो भी चवर डुलाने की सेवा करते हैं। कभी कभी लालदास जी महाराज और केशव दास जी अर्ज करते हैं कुरान और हदीसा पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके दिल दिमाग में तो हमेशा एक ही बात रहती है, लालदास जी के पास जब देखो तो कुरान के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। चितवनी जो 4:30 बजे जो चितवनी हुई थी तो उस समय चितवनी में जो भोग लगाया गया था वही भोग यहाँ ला करके अब इस समय देते हैं। फिर वहां तभी गावत संजा को अवसर पहर रात लो रोशन, जो संजा अवसर गाया जाता था वो रात्रि तक संजा अवसर गाते थे। फिर मना अरज करत हे बस्तर सुनने की श्री राज मोसो कहो मैं हाजिर ना। अब एक एक आकर के अलग अलग श्री जी को पूछते हैं, पहले कौन आई थी, अभी किसका नाम आया था स्टार्टिंग में शुभारंभ में आज ही श्रवण किया ना, लक्ष्मी बाई।
उसने आकर के अर्ज की कि आज कौन पद घाट पधारेंगे हे धनी। तो फिर उनके साथ चर्चा हो रही है। अब ये लच्छो भाई जब चितवनी कराते श्री राज जी महाराज तब तो हाजिर नहीं होती है, पर इस समय आती और कहती है कि मैं आ नहीं पाई थी, मुझे फिर से स्वरूप का श्रृंगार वर्णन करके चितवनी कराए। तो धनी भी जानते हैं कि लच्छो भाई कहो कि ये जो बाई आई है मना बाई अर्ज कर रही तो वास्तविक परिस्थिति के वश में होगी कि आ नहीं पाती है, तो विशेष करके इस समय वापस उनको श्रृंगार का वर्णन करके स्वरूप का वर्णन करके चितवनी कराते हैं मना बाई को कि देखो साड़ी रंग सिंदूरी श्याम रव कंच की नीली नाई को चरणिया की बस्तर ठको रानी जी के चीरा रंग सिंदूरिया जामा सुपेत जवेर तार पिछोरी रंग आसमानी देख परवर दिकार नीले पीले रंग को पटोका बांधे कमर केसरी रंगी जा रहे यो मूल बागो दिल धर। परम धाम के अंदर मन मिलावा के अंदर विराजमान जो मूल स्वरूप है उन मूल स्वरूप ने जो मूल बागा जो धारण किया हुआ है वही बागा बस्तर श्रृंगार का वर्णन करके चितवनी कराते जो सतगुरु महाराज कराते थे वही यहाँ श्री प्राणनाथ जी कराते कि देखो इस समय जब हमारी सुरता खेल के अंदर प्रवेश कर रही है खिलवत के अंदर हम बैठे हैं तो युगल स्वरूप खेल दिखाने के लिए सिंहासन पर जो विराजमान है तो आज हमारी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी जी ने रूह अल्लाह ने सिंदूरिया रंग की सुंदर जवेरातों से जगमग कहो और सुनहरी बुटाओं की चित्रकारी से युक्त लाल रंग की सुंदर साड़ी धारण की हुई है और रूह जो है वो सुंदर कहो घेरदार अत्यंत चित्रकारी से युक्त चरणिया के दर्शन करता है और श्याम रंग की रत्न जड़ित कहो और सुंदर चित्रकारी से युक्त कंचु की श्यामा महारानी ने धारण की हुई है। फिर चारों भूषण चरण कमल के अंदर झलकार कर रहे हैं और अनवट अंगूठा में कहो उंगलियों में बिछिया धारण किया हुआ है चरण में जांजरी कुकरी गावी और कड़ला धारण किया हुआ है हस्त कमल पर कहो तो पहुंची है मुद्रिकाएं अंगुरियों में कोमल कोमल पतली पतली जो अंगुरी है उस अंगुरी में मुद्रिका झलकार कर रही है। फिर कलाई के अंदर नवगरी है नव चूड़ है चुड़ी है फिर बाहों पर बाजूबंद शोभायमान है कंठ पर हार धारण किए हुए है और मुखारविंद की शोभा सुंदरता का क्या वर्णन करना। सुंदर हरवटी अदर नासिका और नासिका में भी कहो तो सुंदर वेशर धारण की हुई है जिसके अंदर भी नंग जलकार कर रहा है। सुंदर कपोले है नेत्र कमल है नेत्र कमल में अंजन है और ऐसे मनमोहक नेत्र कमल उसकी पापन पलके पर भ्रुकुटी कहो भोए कहो निलाट कहो और दोनों भोए के बीच में सुंदर लावण रंग की बिंदी धारण की हुई है। सुंदर श्रवण जो है उस श्रवण के अंदर जाल धारण की हुई है सिर पर राखड़ी की शोभा है पांगड़ी की शोभा है और फिर लंबी सी काली काली सुंदर सुंदर कहो अत्यंत सुंदर चोटी धारण की हुई है जो चोटी सुंदर लंबी लहरा रही है और हारों के फुमक उसके नीचे शोभा ले रहे हैं और ऊपर से आधे घूंघट में तिरछी नजर से हमारे पिया श्री प्राणनाथ श्री राज जी महाराज को श्री ठुकराणी जी दर्शन करती है बिहार जी है। श्री राज जी महाराज का सुंदर श्रृंगार है केसरी रंग की जार चरण पर धारण की हुई है जिसके अंदर भी कई नंग और जवेरात जलकार कर रहे हैं पर उसी जार के ऊपर सुंदर श्वेत रंग का दामन जिसमें से केसरी रंग की जाए बाहर निकल रही है सूर्य की किरण की तरह चारों तरफ फैल रही है और उस श्वेत रंग का जामा ऊपर से लेकर के नीचे घुटनों से भी नीचे तक मानो के पैरनी तक गया हुआ इतना लंबा और घेरदार दामन और दामन भी कहो तो जवेरातों से जगमग और जामे के अंदर भी इतनी सुंदर बारी चित्रकारी
और ऊपर चोली का भाग अंग के साथ जुड़ायमान है, और चोली और नीचे दामन दोनों के बीच में कहो तो कमर का भाग आता है, जिसमें नीले पीले रंग का पटुका शोभाने रहा है, और उस पटुका के किनार पर भी सुंदर बेले चित्रकारी की शोभा के रूप दर्शन करती है। जामा की जो बाह है वो इतनी लंबी लंबी बाह, और उसमें भी बारीक 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 चुन्नट करते 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 ऊपर की ओर वो चुन्नटें गई हुई, जिसको मोहरी कहते हैं, अत्यंत सुंदर उस चुन्नट के दर्शन होते हैं। और बगल के पार्श्व भाग में कहो तो केवड़ी की चित्रकारी के दर्शन होते हैं, पीछे के भाग में कहो तो दोनों तरफ केतकी के फूलों के दर्शन होते हैं, और जामा के कंठ की जो बॉर्डर है उसके अंदर सुंदर बेली चित्रकारी की शोभा के दर्शन होते हैं, और ऊपर से कहो तो मीही बारीक अत्यंत सुंदर आसमानी रंग की पतली सी पिछोरी धारण की हुई लहरा रही है, जो इश्क का प्रतीक है, और ऊपर सुंदर मुखारविंद पर शीर पर पाग शोभायमान है, लाल रंगी स्वयं अपने हाथों से प्याले पेच बना करके सारंगी आकर की पाग धारण की हुई, जिसके अंदर कहो तो कलंगी है, जिसके अंदर दुगदुगी जगमग 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 कर रही है। सुंदर मुखारविंद हरवटी मुस्कान करती है, लाल लाल अधर की शोभा, और दोनों अधरों के अंदर कहो तो श्वेत रंग की दंतावली दानव की कड़ियों की तरह सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और उन दांतों के अंदर मीठी रसना शोभायमान है। सुंदर नाशिका, और नाशिका में भी कहो तो मुरली धारण की हुई है बेशर, और उसमें भी नीचे जो मानिक नंग वो यहाँ अधर के ऊपर शोभा ले रहा है, जैसे अधर की लालिमा को चार चांद लगा रहा है। सुंदर सुंदर कपोले है, सुंदर श्रवण है, श्रवण में कर्ण फूल की शोभा धारण की हुई है, सुंदर चंचल चपल मेहरों से इश्क से पूर्ण कहो तो नेत्र कमल राजी महाराज की शोभा ले रहे हैं, और उस नेत्र के अंदर तारा की तरह चमकती हुई श्याम रंग की पुतलिया शोभा ले रही है, और चारों तरफ श्वेत रंग, और श्वेत रंग के अंदर लालिमा युक्त लाल लाल बारीक बारीक रेखाएं आई हुई है, और ऊपर कहो तो पापन और पलके की शोभा सुंदरता, दोनों तरफ कहो भोए और भ्रुकुटे और सुंदर उर्ध्व पुण्य नासिका से लेकर निलाट तक तिलक की शोभा है, दो रेखा तिलक की जिसके बीच में लाल रंग की सुंदर बिंदी, और उस बिंदी के भी बारीक बारीक छोटी छोटी बिंदी गोल गोल आई हुई है, जिसको कर करे करके वाणी के अंदर वर्णन किया है, जिसकी रोशनी नूर सूर्य की किरण की तरह चारों तरफ फैल रही है, और काले काले घुंघराले खुशबूदार अत्तर से भिंजे हुए कहो तो केश राजी महाराज की शोभायमान है। सुंदर स्वरूप संकुल सकोमल वारी रे वारी मेरे दिया, वारी रे वारी टिक टिक कर डालू या तन ऊपर गुंज बिहारी। सुंदर श्रीनाथ से ठकराने जी के सुंदर चारों चरण बराबर सुभान और बड़ी रुचि गौर सब गुण पूर्ण सुंदर शोभा आर सलोकी आशिक इन चरण की आशिक की रु चरण ये जिदागी क्यों सहे रु बिना अपने चरण। इन दोनों स्वरूप को चरण कमल ये चरण कमल अरस के इनसे खुशबो आए पतना ये तन पक्का अर्श अजीमा जो मेरे जीव के जीवन जीव जो रूह की जीव की जीवन है प्राणों के प्राण आधार है प्राण नाथ है प्रियतम है उसको रूह अपने दिल के अंदर विराजमान करती है चित्रवाणी के माध्यम से कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम
सेज बिछाई रुच रुच हे यही तुम्हारा विश्राम। फिर श्री राज जी महाराज, आज मीरत नवरंग बाई की साड़ी जड़ाव श्याम, आबा रस की कंच की पांच पट चरण्या इस ठाम। आज कृष्ण पक्ष एकम है, जब खेल देखने के लिए आए तो कृष्ण पक्ष के अंदर हम वन के अंदर विहार करने जाते तो 3 से 6 बजे, तो 6 घड़ी खेलते, 1 घड़ी जिंदा करते, 1 घड़ी श्रृंगार करते हैं, फिर वापस सुखपाल में बैठ करके वापस आएंगे और चांदनी चौक में उतरेंगे, फिर रसोई हवेली में जा करके भोजन करते हैं, फिर चौथी भाव में 8 से 9 बजे तक क्या नियत नवरंग भाई का देखते, नामी जाको नवरंग ताकि नीरत कहो क्यों कर, अनेक गुण रंग लावई नए नए दिल धर, राज्य को रिजाने के लिए अनेक गुण अनेक कला को नवरंग भाई धारण करते हुए राज्य को रिजाती है। एक घुंघरू बजाना चाहे चारों पहने कावी कड़ला जांजरी घुघरी, लेकिन जांजरी का आवाज निकालने चाहती है तो जांजरी निकलती है, 3 स्वर ऐसे ही मंद हो जाते हैं, 2 का निकालना चाहिए स्वर तो 2 का निकलता है, 3 का निकालना चाहिए तो 3 का, और एक ही साथ 4ों का स्वर निकालना चाहेगी तो 4ों का नवरंग भाई एक ही साथ को निरत करती हुई भूषण बजाती हुई धनी को रिझाती है, महबूब को रिझावने अनेक कला साधक दे, किसको महबूब, महबूब यानी प्यार, जो प्यार इससे बढ़कर कहो कोई शब्द ही नहीं है, तभी प्यार शब्दों को कहा महबूब, और इन महबूब को ले जा रही है नवरंग बाई, तो नवरंग बाई की निरत के समय का जो श्रृंगार है उस श्रृंगार को भी वर्णन करते हैं कि आज जो नवरंग बाई ने जो वस्त्र धारण किए श्याम रंग की साड़ी पहनी हुई है और आम रस की कंचुकी धारण की है और 5 पट्टेदार जो नीरत के समय एकदम घेरदार जो चरनिया धारण करते हैं वो 5 पट्टे की चरनिया धारण की हुई है और अंदर नीली रंग की इजार पहनी हुई है नवरंग बाई ने। जैसा श्रृंगार श्यामा जी का वैसा ही फिर 12,000 रोगा जानो, स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भये है 2 3 सुलिखे शास्त्रो बिने शुन्याय आकीन, इस ब्रह्मांड 14 लोक के अंदर कहो तो अगर स्वरूप दाता कहे तो 2 या 3, अगर 3 मानो तो ब्रह्मा विष्णु महेश और 2 मानो तो विष्णु और शिव को माना जाता है, जिसको सारी दुनिया मानती है और पूछती है विश्वास लाती है जो शास्त्र के अंदर लिखा है, लेकिन सो स्वरूप वैकुंठ का जाए कया मलकुद, कहने वाले फिरस्ते जिनका ठोर जबरुदा, वह जो ठोर है वो मलकुद है यानी कि वैकुंठ धाम के वो देवता है, 14 लोक के वो सर्वे सर्वा है, लेकिन आज यहाँ जो वर्णन कर रही है अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि, इन बुद्धि का तो ठोर जबरुद है और जबरुद यानी अक्षर धाम, जबकि यह जो बंगला दरबार के अंदर जो स्वरूप विराजमान है यह सुरत अर्श अजिम की जाहे कया अक्षरातीत, कहने वाले धाम दनी सुने मोमिन कर पर तित कहा देखो, जिन स्वरूप की मोमिन सेवा कर रहे हैं जो बंगला जी में साक्षात विराजमान है, यह स्वरूप तो जबरुत के अंदर रहने वाले भी अक्षर ब्रह्मा भी जिनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके भी जो ईश है उनके भी जो मालिक है उन अक्षरातीत अर्श अजिम का स्वरूप है, ये चितवनी कराने वाले कहो स्वयं धाम के धनी है और सुनने वाली स्वयं उन्हीं की रुस्वागिन नार मामिल है, जो विश्वास से परतित लेकर के बड़े प्रेम से धनी के वचन सुनती है, ऐसा लगेगा अरे रोज एक नी एक तो बात सुननी है, घर पे आंख बंद करके श्रृंगार वर्णन सुन लेंगे कर लेंगे स्वयं चितवनी, नहीं फिर भी आते सुनते क्यों, क्योंकि एक तो साक्षात धनी के शरीरों से दर्शन और रसना दोनों का सुख, और धनी जब चितवन कराएंगे तो श्रोता को पकड़ कर सीधा धाम में पहुंचा देंगे, और दूसरी बात देखो रोज सुनेंगे
तो हमारे दिल के अंदर वो चर्चा और कायम होती जाती है, सत्संग कायम होते जाते हैं, वचन जो है पॉजिटिव। अब रोज सत्संग सुनेंगे तो अच्छे ही तो विचार अंदर जाएंगे, अच्छा ही तो जाएंगे, तो जो हमारे अंदर की बुराई है वो अपने आप बाहर निकलती जाएगी। साथ जी साथ हुए बिना अखंड में ना पहुंचता। अखंड में इस बक्का के अंदर, परम धाम के अंदर पहुंचने के लिए अंदर के अंतःकरण की सफाई भी जरूरी है। निष्ठा बंद सुनते जाए साची हो वे कान, पाव हाथ अंग इंद्रिया होए हक की ताए पहचान। जिन्होंने इन स्वरूप की जो बंगला दरबार के अंदर विराजमान है, धाम के धनी के रूप में जिन्होंने पहचान की है, वो तो निष्ठा बंद रोज नित्य आना रा करके भी न पुष्ट में न मर्याद में न परवाह में कहो, निष्ठा लेकर के धनी की श्रीमुख से वचन चर्चा को सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुण अंगद्री को स्वयं साध लिया है। उनके गुण अंगद्रियो जो है वो माया के नहीं आत्म के वश में है, वो आत्म के मददगार बन गए। तभी तो प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुण फिरावे का प्रकरण रखा ना, कि जो गुण इंद्रियों जो अवगुण हमें परेशान करते हैं संसार के अंदर, जो संसार के अंदर ही लगा हुआ है, उसको धाम और धनी की ओर किस तरह से फिराना चाहिए, इस तरह से मौमी ने तो स्वयं फिरा करके दिखा दिया है। ये तो बात अंकुर की हुए ना बिना संबंध, जो दुनिया को देख ही ताए कया बड़ा अंधा, लेकिन बिना सन्मन न पाइए कोटि करो आजा। यह तो अंकुर की बात है, सन्मन बिना अंकुर बिना हो तो एक शब्द एक रब भी ले नहीं सकते। दुनिया वाले को दुनिया ही दिखाई देती, दुनिया की बात अच्छी लगती है, उसी में सारा दिन 24 घंटा भी कहो पूरा जीवन भी गुजार देंगे ना, तो भी वहां से तृप्त नहीं होंगे। अब बातें करने के लिए हम बैठेंगे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा कम पड़ जाएगा, और सत्संग एक घंटा होंगे तो ऊपर नीचे होने लगेंगे, आगे पीछे होने लगेंगे, घूमने लगेंगे ना, ऐसा लगेगा चलो कब खत्म और कब उठे और कब जाए। लेकिन बातें करने में समय का पता चलता है, क्यों? क्योंकि दुनिया की बातें में हमें ज्यादा रस है, जहाँ इंटरेस्ट है वहां तो फिर समय और घड़ी हम देखते ही नहीं है। लेकिन जहाँ हमारा नियम है तो वहां हाँ एक घंटा सुन लिया, हमारा नियम पूरा हो गया, अब तो हम खुले हैं ना, अब कैद से आजाद है, मुक्त है, अब हम मरकट की तरह को नाच भी सकते हैं। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ, इन समय की शोभा को कलो न जाए अराफा। अब शाम के समय संध्या आरती होती है, अष्टपर की सेवा है ना, तो संध्या आरती के समय जितने भी है सभी आसपास के सभी सुंदर सताकर करके संध्या आरती में शामिल होते हैं। और श्री बाई जी आवत इन समय होत बिछोने जोड़े तखत, गादी तक के बिहारी दास बिछावत है इत्ता। अब बाई जी राज महारानी के लिए भी कहो तो आसन और गादी तकिया बिछा दिया बिहारी दास जी ने तखत के पास में। बड़े प्रेम से संध्या आरती बड़े प्यार से मोमिन करते हैं। इस समय संध्या आरती के समय तो मान लो कि संसार उनके सामने कुछ है ही नहीं, फिर संध्या आरती भी झांझ ताल मृदंग ढोल आदि के साथ होती है, तो झांझ ताल की थैली लेकर के आते रखने की भी सेवा तगड़ा भाई की है। फिर आरती जब होती है तो संध्या आरती में प्रेम विभोर होकर के भाखरिया भाई जो है वो नाचने लगते हैं। दो बाजू चवर डोलाती है लाल भाई, पहली यह सेवा गोविंद दास ने की थी, कभी कभी शिवराम ने की, कभी हरनंद भाई ने की, कभी शेख बदल भाई ने की, कभी लाल खान ने की, और जिन जिन का ईमान था विश्वास था प्रेम था वो सभी सुंदर साथ सेवा में हाजिर होकर के धनी को रिझा रहे हैं। बिंदा भाई कन्नड़ भाई और गंगाराम अगरदास आनंद बद्रीदास ये सब संध्या समय गाने की सेवा करते हैं। कभी कभी उत्तम दास भी आते हैं, मृदंग बजाते हैं वो, फिर जहाज ताल बजाते हैं, कितनी सखिया मोमिन
फिर गाने में खड़े परमानंद जी बड़े अच्छे से गाते हैं, भाव दिखा करके कुशल है वो गाने में। और सुन धुन इन समय की कापत पुलित जाल, इन्हें चीमों को मारेगा यही मेरा है काल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। संध्या आरती के समय जो घड़ी घंटा बज रहा है, आरती की ध्वनि जो जहां तक जा रही है ना, कलयुग की हिम्मत नहीं उस एरिया के अंदर प्रवेश कर सके। उस समय सबके मन शांत हो चुके हैं, दिल दिमाग चित्त वृत्ति सबके अंदर मात्र स्वरूप के दर्शन करते करते पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, सात्विकता के अंदर सब खड़े हैं। तो किसी के मन के अंदर, किसी के अंतस्करण के अंदर दज्जाल प्रवेश कर नहीं सकता। घर जाने के बाद जो होना होगा। मेघा गादी बिछावत श्री भाई जी के कदमों तले, जब आरती करते श्री भाई जी खड़े ऊपर इनके। अब बाईजू राज सबसे पहले श्री जी की आरती करेंगे, तो उनके लिए मेघा बाई ने गादी बिछा दी। अब उसके ऊपर कहो तो आरती उतारने के लिए श्री जियावर रानी बाईजू राज खड़ी हो गए। और आरती के पहले बधावनी करते चावलों से पुष्पों से, तो एक चद्दर बिछा देते हीरा बनवाई। फिर बाईजू राज महारानी बताती है थाल लेकर के, फिर कुमकुम तिलक करती है, चावल लगाती है, और राघव दास जो है रुमाल लेकर के खड़े है सेवा में। आरती के समय बड़े प्रेम से बाईजू राज महारानी आरती उतार रही है। और सेवा जो है इस समय रुक्मणी बाई की सेवा है, यह सब आरती की जोगवा है, यानी जो कुछ चाहिए सामग्री थाल बत्ती घी माचिस को जो कुछ चाहिए वो सब यहाँ सजा करके रख देती है रुक्मणी बाई। रूपे की पंच घड़ी आरती, गिरत दीपक ज्योत बत्तीस, करे फिरत प्रकाश चौतीस, सेवत मन पर तीत का। रूपे की यानी कि चांदी की, वो भी पांच खाने वाली आरती है, और फिर ती 32 दीपक की ज्योत जला सके वैसी वैसी 32 दीपक वाली आरती सजाई हुई है। बड़े विश्वास से प्रेम से ये 32 दीपक की ज्योत प्रकट करके आरती कर रहे हैं। अम्बो कहो इस आरती के अंदर शामिल है, माके माई खड़ी है, भानी बाई एक तरफ खड़ी है, कुमारिका खड़ी है, दीपक थाली का लेकर के, मतलब छोटी छोटी अन्य भी था, आरती सजा करके सुंदर साथ आरती कर रहा है। कंजर थाल चहो मुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाशी, करत आरती से जियावर रानी आनंद अंगा बलासी। दिल के अंदर अत्यंत आनंद को प्रेम को धारण करके कंचन के थाल के अंदर कहो आरती सजा करके और 32 दीपक की ज्योत प्रकट करके जिया की रानी जियावर रानी स्वयं दुल्हित अंगना अपने पिया प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ की आरती कर रही है। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे, मंगल रसिक वदन की शोभा निरखंता मन मोहे। मंगल युगल स्वरूप जो है अत्यंत सुंदर सुखदायक श्री राजसेठ प्राणी जी के दर्शन करती है। श्याम श्यामा धाम के युगल स्वरूप जो यहाँ स्वयं बंगला दरबार के अंदर विराजमान है, वो मंगलमय स्वरूप के रसिक बदन प्रेम के सागर के दर्शन करती हुई मन मोहक होकर के सखिया आरती कर रहे निरत कर रही, मतलब के अंदर से कई सुंदर साथ निरत भी, जैसे भाखरिया भाई का नाम आया, निरत भी कर रहे नाच भी रहे, और उतारने वाली तो स्वयं उनका दिल ही निरत कर रहा है इस समय आरती के समय। बड़े भाव से कहो तो आरती कर रहे हैं। रुक्मणी थाल धरत है श्री राज के आगे, कर पसार बिड़ा धरे करे मेहर धाम। बड़े प्रेम से कहो तो रुक्मणी बाई आरती उतारने के बाद जो आरती का थाल है वो श्री राज जी के आगे कर देती है रुक्मणी। तो श्री राज जी प्रसन्न होकर के उसके अंदर क्या पान का बीड़ा रख देते, मतलब अपना भी भाव प्रेम प्रकट कर रहे सुंदर साथ के प्रति।
सबकी थाली में ये बीड़ी रखने का काम करते थे कल्याण भाई और प्रहलाद भाई, नित्य इनकी सेवा थी। अब इतनी बड़ी जमात है, कितनी आरती है, सब में श्री जी का हाथ कहाँ कहाँ पहुंचेगा, इसीलिए एक थाल में रख लिया श्री जी ने, बाकी यह पान का बीड़ा रखने की सेवा कल्याण भाई और प्रहलाद भाई की थी। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाब, यही मोहम्मद मेहंदी सा, यही पूरे मनोरथ काबा। इस समय जो पन्ना धाम के अंदर बंगला दरबार के अंदर तखत पर जो विराजमान स्वरूप है, जिनकी आरती जियावर रानी ने की हुई है, यही स्वरूप खोत अक्षरातीत है, यही धाम के धनी है, यही कहो तो मोहम्मद है, यही कहो तो ईशा है, यही कहो तो इमाम है, और यही कहो तो अठावीस कल जो के निष्कलंक बुद्ध अवतार है। इन बात कई गावत होए के मन मगन, कई साथी संग आवत साथे सुरज मना। इस समय कहो तो कई सुंदर सा गाते प्रेम विभोर करके गाते हैं, एक पर रात लो होते मनोहार, कोई आवत कोई जाते सो कहो कहो प्रकार। एक पहर तक मनोहार ये रमजट ये आनंद की रे, ये उत्सव चलता है संध्या आरती और कहो गाने का, ये उत्सव मनाने का नाचने का। एक पर यानी की 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का ये कौन सा छठा पहर चल रहा है, तो एक पहर तक, और इसी पहर में आगे फिर चर्चा भी आएगी। सिंहासन में बाई जी जुगल स्वरूप शोभाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कहो कहो बनाए। देखो सिंहासन पर स्वयं युवन स्वरूप विराजमान है, अब कितने आ रहे कितने जा रहे, कोई उठ रहा है कोई बैठ रहा है, कोई सुन रहा है कोई ऊंघ रहा है कोई बोल रहा है, सब कुछ यहाँ बड़ी जमात है, सब कुछ चलता है, इस तरह से यहाँ लीला हो रही है। ये 5वां पहर था ना, 6 बजे से लेकर के 9 बजे, तो अब आएगा छठा पहर, नहीं सॉरी 5वां पर 6 से 9 बजे तक का। अब पहर आया छठा, और छठा पहर का समय है 6 बजे से लेकर के 9 बजे 5वां देगा, और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। अब दिन से गिनोगे तो ये छठा पहर है, और रात्रि से आप देखोगे तो ये दूसरा पहर है। अब 12 बजे से भी आगे भी चर्चा जा सकती है, ये रात तो अपनी ही है, घड़ी देखने की फुर्सत ही नहीं है, इशारत करने वाले करते रहेंगे, श्री जी चर्चा को चलावे पूरा। अब कहो पहर छठे की जित चर्चा होत है हक, बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरो गुजरा का। अब छठे पहर के अंदर स्वयं धाम धनी हक खुदा ताला श्री लाल जी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं, और चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे बैठी हुई कौन, सुन्नत जमात खासल खासरो मोमिना। बंगला दरबार के अंदर दोनों तरफ राज्य के सन्मुख सुंदर साथ बैठ जाते हैं, केशव दास वाणी पढ़ने के लिए बैठते हैं, कुरान हदीसा पढ़ने के लिए लालदास जी महाराज बैठते हैं, गोकुल दास कहो उस राज जी को वह भी खुश करने के लिए वह भी वाणी पधराते और पढ़ते हैं। इत चर्चा होत है चौपसो वर्षा होत अद्वैत, रसना मीठी सो करे उड़ जात सब द्वेत। यह अत्यंत प्रेम से चर्चा होती है, बाणी गर्जत मांज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार, मुड़मति न जाने विचार महामत कहे पुकार पुकार। अद्वैत की परम धाम की बरसात की बैर की बारिश हो रही है, और यह सुनकर के कहो तो जो भी द्वैत भाव है त्रिताप मिट जाता है और द्वैत भाव उड़ जाता है। मुरलीधर सबसे आगे सन्मुख आसन लगा करके बैठे हैं, और मुख से मुख नेत्र से नेत्र मिला करके चर्चा श्रवण कर रहे हैं। एक तरफ महाराजा छत्रसाल बैठे, देवकरण भाई बैठे, दुर्गवान भी बैठे उनके पीछे, जाको धनी पकड़े हाथ, उन सब सुंदर साथ आगे आकर के यहाँ विराजमान हो गए चर्चा सुनने के लिए।
चंद्र हंस बैठते सारूप बैठते है, फिर किशोरी सी की तो सेवा है। पूरे बंगले में रोज इतना बड़ा सेठ था, रामनगर के अंदर आए थे ने देवकरण भाई लेकर के आए थे, जो राज दरबार के अंदर काम करते थे किशोरी सिया, या झाड़ू लगाने की देखो सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अहंकार नहीं है, तभी तो हाथ में झाड़ू पकड़ सकते हैं, नहीं तो प्रणाम करने के लिए भी झुक नहीं सकेंगे। तो यहाँ स्वयं वो भी लेडीज नहीं है, पुरुष भाई है, लेकिन मंगला दरबार के अंदर सेवा करने के लिए स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हैं। अमान राय भाई कहो, पर्वत सी कहो, नारायण दास, फिर सखत सी, जगत सी, सब आकर के चर्चा में बैठे हैं। हमेशा दुर्गवान जो है एक लॉन्ग और लॉन्ग की सेवा के साथ साथ एक रुपया हमेशा यहाँ भेजते थे मोमिनों की रसोई के लिए। तुलाराम भाई आते सेवा के लिए, दर्शन करने के लिए, प्रणाम करके चर्चा में बैठते हैं। प्रेम जी भाई, पीताम्बर भाई, मुकुंददास, मुकुंददास, केशवदास, जयंतीदास, सूरत सी, मकरंद सी, मोहन जी, गिरधर, भगवान शिवराम, सदानंद, शेख बदल भाई, लाल खान, मीन खान, अब्बल खान, नूर मोहम्मद, दयाराम, चंचल, गुलजी, सब चर्चा सुन करके शीतल होते हैं। टेक चंद भाई कहो, दुंद राय कहो, पोकर दास जी कहो, गोविंद दास जी, केशव दास जी, मोदी, मुरलीधर, दूसरे मुरलीधर, मावजी भाई, सब नित्य आते चर्चा में बैठते। मोहनदास, मुलजी, मामा, काका, संत दास, गंगाराम, घनश्याम, फिर छते, केशव, सुखदेव जी कहो, दर्शीदास, सामन, घीसा, घासी, और ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण कौन है? छत्रसाल महाराज जी के शिष्य ब्रजभूषण जी, जो वृतांत मक्तावली की रचना करने वाले नंबर वन वितक के स्वामी श्री लालदास जी महाराज का, तो दूसरा नंबर आता है ब्रजभूषण महाराज जी के वितक का, वृतांत मुक्तावली। फिर विरजी, मोदी, लच्छी भाई, मिड़ई, बिहारी दास, फरास बिहारी, और कहो भगवान भाई, मामा बनवाली दासी, धनजी भाई, लालमान, शंकर, नारायण, मथुरा, काशी, वल्लभदास, संदास, प्रसादी भाई, फिर भिखारी दास, छबित दास, बिंदा दास, मयारा, मेनी दास, देवी दास, गजपत राय, गरीब दास, थानो, श्याम जी, शंकर भाई, सुखचैन, खड़ग देव, मुरलीधर, और कितने साथी आवे निष्ठा बद, कोई आवे मरजाद में, कोई परवा की सनंदार। ये तो पांच सात सुंदर साथ का 5000 की जमात है। अब सबके नाम लालदास जी महाराज लिखेंगे तो पढ़ने वाले भी और सुनने वाले दोनों उंग जाएंगे। ये खास खास जो हमेशा सेवा में हाजिर और सुन्नत जमा, जो आगे आकर के नित्य निष्ठा बंद लेकर के सुनने वाली जो जमात है, न परवाह, न मर्यादा, न पुष्ट, तीन पक्ष होते हैं। प्रकाश गंध के अंदर भी आप पढ़ते होंगे, तो तीन पक्ष यानी तीन गुण में स्थिर होकर के वो चर्चा सुनते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अंदर। परवा तो मतलब समझ ही लो लापरवाही, गए तो भी ठीक है, न गए तो भी ठीक है, सुना तो भी ठीक है, न सुना तो भी ठीक है, नहीं तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, कभी जाए कभी न जाए, परवाही के अंदर। लापरवाही में सुनना, ऐसी जमात तो बहुत है, कोई मर्यादा में सुनते आते बैठते लेकिन कान मड़ करके आ, चर्चा में ध्यान ही नहीं होता है। जब चर्चा में ध्यान नहीं होगा, शब्द के अंदर ध्यान नहीं होगा, तो फिर मन कहाँ जाएगा? दूसरी दिशा में फिरने लगेगा, उछलने लगेगा, या तो फिर निंद्रा देवी प्रकट हो जाएगी, उंगने लगेंगे। तो यहाँ तो सबसे आगे बैठने वाली जमात उंगने वाली जमात नहीं है, ये तो निष्ठा बंद एकाग्र एक चित से नेत्र में नेत्र मिला करके ये सुनने वाली जमात है। तो यह 108 प्रणाली का बताई है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी जो है वो 108 सीढ़ी है।
तभी बद्दल के अंदर आया। क्या कितने पख बताए? 108। 108 का महत्व है। 108 के अंदर जब सीढ़ी गिनाते गए तो ये तीन पख आ गए, परवा, मर्यादा और पुष्ट। और एक एक के अंदर भी जाओ तो तीन तीन पक्ष होते हैं, परवा में भी, मर्यादा में भी, पुष्ट में। तो 3×3 कर दो तो 9 हो जाएंगे। और एक एक के अंदर गुण समाया हुआ है, तमो गुण, रजो गुण और सतो गुण, तीन गुण समाये हुए हैं। तो 9×3 कर दो तो कितने? 27 हो जाएंगे। और 27वीं सीढ़ी कौन सी है? स्वर्ग लोक। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणेम पुण्यम स्वर्ग, जो मतलब के क्षीणेम पुण्यम, कहा पुण्य का क्षीण होते ही तुरंत स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक के अंदर वापस आना पड़ता है, कर्म भूमि के अंदर कर्म करने के लिए। इसलिए फिर 27 के आगे, अब 27×3, क्योंकि एक एक गुण के अंदर भी तीन तीन गुण समाये हुए हैं। कैसे ऐसा लगेगा ना? अब ब्रह्मा विष्णु महेश को ले लो या तो अपने को ले लो। अब विष्णु के अंदर सतगुण की प्रधानता है, महेश के अंदर तमोगुण की प्रधानता है, ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण की प्रधानता है, लेकिन तीनों के अंदर तीन गुण तो है कि नहीं? अभी हम बैठे हैं सतगुण के अंदर, लेकिन है तो हमारे अंदर तीनों गुण, तो समय समय में वो गुण भी तो प्रकट हो जाते हैं। अभी तो सात्विक गुण से बड़े अच्छे प्यारे बन करके चर्चा सुन रहे हो, अगर कुछ कह दिया तो फिर खत्म बात, उठ के सीधा हम आ जाएंगे किसमें? तमोगुण के अंदर। मुझे कहा, क्यों कहा? या तो जुबान या तो फिर हाथ चलाएंगे। तो गुण तो परिवर्तन होता ही रहता, लेकिन जीवन भर का अगर सारांश निकालेंगे तो हम एक गुण के अंदर हमारी मेजोरिटी होती है, एक गुण हमारे अंदर प्रधान रूप में होता है। तो वो प्रधान रूप की सात्विकता भगवान विष्णु के अंदर मानी जाएगी। तो इसी तरह से एक के अंदर भी तीन तीन, यानी 27×3 करो तो कितने हो गए? 81। और 81 क्या है? बंदा भगवान एक ज छे, सभी भगवान एक ही है, यानी नवदा भक्ति का मार्ग हो गया, सार प्रकार की मुक्ति का मार्ग जो है, सालोक्य, सालोक्य सामिप्य सायुज्य। तो यह जो है वैकुंठ का मार्ग है। और इसके परे वल्लभाचार्य ने प्रेम को पकड़ करके, ज्ञान नहीं था लेकिन उन्होंने क्या पकड़ा? ब्रज और रास की लीला, प्रेम की लीला। और अखंड ब्रज रास को पकड़ करके वो पहुंच गए सीधा जंप मार के व्यासिनी सीढ़ी में। वो वेदांती जो है वो लटक गए निराकार के अंदर ज्ञान को लेकर के, और ये प्रेम को लेकर के पहुंच गए व्यासिनी सीढ़ी में। फिर उसके पड़े है 83वीं सीढ़ी, 83, वो है क्या? पंचवासना। कौन कौन है पंचवासना में? महादेव, फिर सुखदेव, फिर महाविष्णु, फिर कबीर साहेब और सनकादि, ये पंचवासना 83वीं सीढ़ी है। और उसके परे ये 25 पक्ष की बात बड़ी, जिन नजर लाहत पर सो हिसाब में न आवही, कहो संयोग की खातिर। अब उसके परे 25 पक्ष आपना देमा कीजे रंग विलास। 83 + 25 = 108 हो गया। 108वीं सीढ़ी पहुंच गई कहां? परम धाम के अंदर। लेकिन क्या कहा? ये 25 पक्ष की बात बड़ी बुजरक, जो हिसाब के अंदर नहीं, मतलब के वर्णन के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी सखियों के लिए मैं कहता हूँ, जैसी आज्ञा धनी की सो वाता बुजरक, तामे सात घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, दस भौम महल विराजत, देखो साथ तुम सोए। 25 पक्ष के बीच सेंटर के अंदर ही स्वयं हमारा निज रंग महल है,
जो नौ बम दसवीं चांदनी है। प्रथम बम में मुल मिलावा और रसोई हवेली है। दूसरी बम में बुलबुल अवनी है। तीसरी में पड़साल है। चौथी बम में नीरत है। पांचवी में सयन लीला है। छठी में सुखपाल और तकतरवा है। सातवीं बम में दो ताल के डोले। आठवीं बम में चार ताल के डोले है। नौवीं बम में दूरदर्शिका है। दसवीं चांदनी है। और इसी रंगमल के सामने केल लिंबो या नारा और तीन वन दाहिने किनार बट नारा के जांबू वन राय पाठ के घाट अमृत कहलाए। सात वन आए सात घाट आए और सात घट को पार करो। अमृत वन से सीधा जाओ तुट के नाहिए जमुना जी की जय। सकल सिंगार सात सनमति मिल के खिले संग वरता। जमुना जी आई हुई है और जमुना जी के दोनों तरफ फूल माल की केलपुर और बटपुल की शोभाएं जो पांच बम छठी चांदनी है। और महल चौबीस हास को बड़ी नेर जोए और कहो दक्षिण दिशा में चौबीस हास का मल नौ लाश उसकी दूरी पर आया हुआ है। बड़ी नेर और जोए और जाओ आगे तो चौबीस हास के महल के आगे जवेर के मलाते सवाई माने और तलाव माने कर फिर आगे जाओ तो मानिक पाड़ की शोभा आई हुई है। उसके आगे चार आर हवेली होए और मानिक पाड़ के आगे बन की नहर के आगे जाएंगे तो छोटी रंग चार आर हवेली है। और मोहलात बड़ी रंग की गिरद बालक ही सोए और उसके भी आगे कहो तो फिरती किला के रूप में दुर्ग के रूप में बड़ी बड़ी इमारत है। बड़ी रंग की 12,000 बम और एक एक बम के अंदर भी छोटी छोटी कितनी 12,000 बम आई हुई है। तो 12,000 × 12,000 करो तो कितने हो गए 14,40,00,000 बम ऊंची दुर्ग इमारत है शोभायमान है। जमुना जी यहाँ प्रगटी ये बेवरा और आठो सागर और पहाड़ मुखराज। जमुना जी यहाँ प्रगटी ये बेवरा करते श्री राज। आठ सागर नूर नीर शीर दधी घृत मधु रस सागर और सर्व रस सागर कहो तो आठो सागर लहरा रहे है। और दक्षिण दिशा में जाओ तो पुखराज पहाड़ आया हुआ है। जमुना जी यहाँ प्रगटी। अब श्री राज जी जमुना जी का वर्णन करके सुना देते है। जो पुखराज पहाड़ है उसके अंदर जो पुखराज की तरड़ी के अंदर जो खजाने का ताल है वही है पानी का भंडार। पानी का खजाने का ताल वही है पानी का जमुना जी के प्रकटीकरण का मूल कहो। जिससे कहो तो वो खजाने के ताल से पानी सीधा पुखराज की चांदनी में 4,00,000 कोश ऊपर जाकर के फिर जो आकाशी मल मध्य में आए उसके भी ऊपर जाकर के मतलब के 8,00,000 कोश ऊपर जाकर के पुखराज की चांदनी में यह पानी प्रकट होता है। और वही चांदनी का सिंचन करके फिर भौम पर भौम नीचे उतरते उतरते फिर आता है पुखराज की चांदनी में। और पुखराज की चांदनी में पश्चिम उत्तर की घाटी में सिंचन करके आएगा। और यहाँ कहो जो बगीचे उस बगीचा का सिंचन करके जो मोहलाते हजार हास की मोहलातों का पांचों भौम का सिंचन करके फिर एक ही पेड़ का पानी दो धारा में प्रवाहित हो जाता है। आधा पानी जो आधा पेड़ का पानी है वो आगे जा करके चार चादर के रूप में पुखराज ताल में गिरता है। और आधा पानी जो है वो भौम भौम का सिंचन करते 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 नीचे आता है। और नीचे आकर के फिर तरटी में जाता है। तरटी से कहो तो आगे बंगला की तरटी में आएगा। बंगला की तरट से अदबीज की कुंड की तरटी में आएगा। और पुखराजी ताल में जो पानी आया आधा पेड़ का वही पानी आगे जाकर के सोल चादर के रूप में अदबीज के कुंड में गिरता है। और वही पानी फिर नीचे तरटी में आकर के एक पेड़ का बन जाता है। और पूर्व दिशा से एक पेड़ का पानी आया दो पेड़ का पानी हो गया। यही पानी कहो तो आगे डब्बा चबूतरा की तरटी में मूल कुंड की तरटी और मूल कुंड की पूर्व दिशा में जो नव मैराब और नव मैराब में मध्य में तीन और तीन के मध्य की जो मेहराब है उस मेहराब से फिर जमुना जी प्रकट होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जहां पटी खुली जहां पटी महल खुली चली मरोर खाए और इन दरमियान कई भात है सब कहे है थोड़ा। अब यहां से जमुना जी डपी जमुना जी गए। अब खजाने के ताल से मूल कुंड तक आया पानी कितना 2,15,200 कोस आया। फिर यहाँ से डबी जमुना जी गई 1,70,400 कोस। फिर जमुना जी खुली गई 1,70,400 कोस यानी 2,34,800 कोस। और वो 2,15,200 कोस दोनों को प्लस कर दो तो 4,50,000 कोस आकर के फिर जमुना जी मरोड़ खाती है।
फिर आगे सीधी जाएगी 9 लाख कोस, फिर मरोड़ खा करके 4.5 लाख कोस जाकर के ओझ को सर तलाव में मिल जाती है। ये चर्चा नित होत है, भौम कही अद्वैत, 25 पक्ष में सब है उड़े सुनते द्वेत। इस तरह से नित्य बंगला दरबार के अंदर कहो ये 6ठे पर के अंदर 7वें पर के अंदर चर्चा होती है, 25 पक्ष परम धाम की चर्चा है, जिनको सुन करके मायावी भाव खत्म हो जाता है। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर रुए रहे दरगाह में, तीनों एक स्वरूप न पार कहा है। देखो परम धाम के अंदर रंगमल के अंदर राजी श्यामा जी और कहो तो 12,000 ये तीनों एक है भाई, दत्त के स्वरूप इसमें कोई अंतर नहीं है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग है, अंग श्री राज जी के 5 अद्वैत एक संग का है। राजी श्यामा जी 12,000 और अक्षर भगवान भगवान जी और लक्ष्मी जी ये 5 भाई दत्त के स्वरूप यहाँ बताए है। चाह करे खेल देखने में बरजे बेरती न, तुम भूलोगे तहकीक रहे न कहूं आगे न। तुमने चाह कही थी खेल देखने की कि हमें खेल देखना है, तब मैंने ही 3-3 बार तुम्हें रोका था, धनी बरजे बेर बेर फेर, पर हम मांगे फेर फेर फेर, इसीलिए कहो थी संधेरी नगरी के अंदर हमने आपको उतार दिया। हम आपस में रबज करके आई आपा से हक, हमें खेल देखन की रही बड़ी चाह बुजरक। हम आपस में रबज करके आई थी कहाँ, जमुना जी के तट पर मीटिंग की थी और वहां आपस में रबज करके कंबर बांधी थी खेल देखने के लिए कि आज तो हमें पूछेंगे अपने प्यागे कहाँ जाना है, एक ही स्वर में 12,000 बोलेंगे कहीं नहीं, अक्षर का नया खेल देखना है। तेरी चाहना को पूरी करने के लिए तभी उस समय बहुत बर जा इनको फेर फेर 3 बेर, बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेर का। बहुत धनी ने मना किया था कि ये माया देखने लायक नहीं है, दुख को निदान है सुख को निदान नहीं है, ये माया अत्यंत दुखदाई है, न देखने में ही तुम्हारी भलाई है, इस चाहना को छोड़ दो। लेकिन हम और उछलने लगे तो फिर धनी ने पटक दिया इस अंधकार के अंदर, इस मायावी नगरी संसार के अंदर जा और जा करके अब साबित करके आओ अपने ईश्वर को। पहले हुकम भगवान पर हुआ ये सुपन, उतारी रूहे दिन में आया खेल देखना। लेकिन रूह ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के लिए आए, उससे पहले भगवान जी के ऊपर हुकम हुआ, अक्षर भगवान के ऊपर, और उनके द्वारा कहो तो ये नारायण सृष्टि इस जगत इस संसार की रचना हो गई, जिसमें पहले आए ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन 1 रात तहा रोशना। उसमें भी सबसे पहले कहो तो ब्रज मंडल के अंदर उतर कर के आए द्वापर युग के अंदर, 11 वर्ष 52 दिन की लीला की थी, फिर बीच युग माए के ब्रह्मांड में लंबी रात्रि रास खेले थे, फिर कहो रास लीला खेल के आए बराबर श्याम मम्मद के रूप में आए थे, फिर 5 चीजें बक्का से उतरी सो तुम्हारी खातर, हुक्म आया तुम पर ले फिरस्तों का लश्कर। 5 चीजें इस जागृति ब्रह्मांड के अंदर कहो तो परम धाम से आई है तुम्हारे लिए, क्या है जिसमें कौशल धनी जी का जोश जब्राइल, आत्म धनी नरुअल्लाह उतर करके आए, तारतम उतर करके आया, हुक्म उतर करके आया, और अक्षर भगवान की बुद्धि उतर करके आई। रू अल्लाह ये तुम पर तीन पहने जावे दोए, रू तुमको खेल में से ढूंढ काले सोए, रू अल्लाह आए प्रथम जामा धारण किया फिर दूसरा, 2 जामा धारण रू अल्लाह ने किया, क्यों, क्योंकि तुम्हें इस खेल में से ढूंढ करके निकाल करके परम धाम लेकर के जाने के लिए। 7 काट पदार्थे श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब सयन सो श्री धाम धनी अर्धंग। 7 घाट जो है उस 7 घाट के अंदर श्री राज जी पदार्थे श्री श्यामा जी के साथ और 12,000 सख्या के साथ अपनी अर्धांगनी के साथ धाम धनी हास विलास करते विहार करते हैं। दोनों पुल पदार्थ केलपुर और बटपुल, दोनों पुल में कभी कभी आते है, कभी कभी कुंज निकुंज के अंदर आते है, तीज के दिन कुंज निकुंज के अंदर, कित जानो हिरा कनी हर ठोर हर बात गनी, कित दो कुनी तिन चौकुनी कित कहो को गोल फिरती।
मौज दिखावत ए तसो और चारो घाट टापू बनन करते एक हीरे का सब ठाट। अब एक ही हीरा का बना हुआ होज को सर तलाव जो रंगमल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर जिसमें चार दिशा में चार घाट शोभायमान है। मेन पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है, फिर नव देवरी का घाट, फिर पूर्व में 16 देवरी का घाट, फिर 13 देवरी का घाट और बीच में टापू मल शोभा ले रहा है। और गिरद ताल के बन भला उसकी चारों तरफ हो आगे बने बड़ो वन मधुवन और महावर आगे पहाड़ मानी बीच मल खेलन का जहाँ खेलत है हक्का। आगे मानेक पहाड़ आया हुआ है और दोनों के बीच में मल है कौन सा 24 आस का मल स्वाभिमान जिसमें 24 फुहारे 24 कुंड 24 धाराएं अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। धनी मानेक पहाड़ का कर देत वर्णन जहाँ हिंडले तो ही पहाड़ बीच सुन सुख पावे मामिना। फिर मानिक पहाड़ का वर्णन करके धनी सुनाते है और उसके बुलंद हिंडोला जहाँ एक हिंडोला में राज्य श्यामा जी और 12,000 बैठ करके झूला झूलते हैं। और बानी कई बात की कहा समझावत सब साथ साथ सब कोई धाम के पकड़ बैठा वे हाथ। फिर सागरों तक ले जाते और सागरों से फिर रंगमल तक लेकर के आते इस तरह से परम धाम के अंदर कई प्रकार से विहार कराते हैं और दिल रूपी हाथ पकड़ करके स्वयं धाम के अंदर बिठा देते हैं। धनी ए लीला केती कहो रात होत पहर दो ए कोई समय दिन जात है चर्चा कहो समझावे सोए। ये बंगला दरबार के अंदर जो लीला हो रही है उसमें भी ये रात तो अपनी जो रात्रि के पहर की जो लीला है इस लीला जो चर्चा जो चितवन परमधाम के अंदर का विहार इसका वर्णन कहाँ तक करो। कई रात होत पहर दोए दोपहर और कभी कभी 3 पहर भी आ जाता है सुबह हो जाएगी सीधा मंगला आरती कर लो। श्री राज पोड़े पलंग पर गादी तके उठावे बिहारी दास संग नाथा रहे और साथ ही शामिल सेवा में जब चर्चा करके उठते हैं उठते नहीं जल्दी अब आएगा 7वें पहर में आगे उठाना पड़ता है जबरदस्ती ना किस तरह से उठाएंगे। फिर 7वें पहर में भी उठ करके सीज पर तो जाएंगे लेकिन किस तरह से फिर भी अर्शजन की वाणी सुनते हैं और मोमिन भी कहो तो फिर चर्चा की चर्चा ही मुरली दरबार लालदासी महाराज सब चर्चा की चर्चा करके सुनाएंगे वो हम सुनेंगे कल। तो यहाँ बिहारी दास जी की सेवा है जब श्री जी चर्चा से उठे तो उनके लिए सेज तैयार करके रखना और इस सेज की सेवा में नाथा जोशी भी शामिल थे। काम के है नाथा जोशी ठट्ठा नगर के श्री महामत कहे ये सैयरो ये छठे पर के भी तक अब कहो पर 7वां जैसी सोवत। अब जैसा धनी का हुक्म होगा उस हिसाब से 7वें पहर की लीला का 8वें पहर की लीला का वर्णन आगे करेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की श्री महामत कहे सैयानो ए छठे पहर की बीतक अब कहो पहर 7वां जैसी सोबत हक श्री बाईजी राज महारानी की आपसे तो कल